बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कहीं लोग बोलते हैं श्राद्ध है ये है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत इसकी रौनक होती है। जबकि अष्टमी और नवमी के दिन 2 दिन इतनी भीड़ होती है ना, जो पंडित जी तो इतने बिजी रहते हैं। मतलब और नवमी को दादी का, जो लेडीज होती है उनका नवमी को श्राद्ध किया जाता है। हमारे पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, शुरू करते हैं। हो गया, अब है अगला स्टेप। गई थी जब मैं वॉक के लिए गई थी ना जंगल में, नवरात्र के दिन इस देवी को अपनी परंपराओं का निर्वाह कर सकते हैं। अब देवता को नहला लेती हूँ। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 6, धूप निकल आई है। तो आज है सुबह के बजे हैं 6, आज है अष्टमी। अष्टमी का श्राद्ध होता है, आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध। तो क्या होता है, कैसे होता है, आज मैं अपनी दिनचर्या पूरे दिन की आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सब अपने अपने तरीके से करते हैं। मेरा मानना है कि श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से जो किया जाए वो है श्राद्ध। धोना कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी घर के काम सारे स्टार्ट। और स्कूल भी जाना है तो तब तक बाकी काम जो भी है मैं स्कूल से आके करूँगी। आपको पता है कैमरा पकड़ के काम करना उसमें काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। गए थे बाजार तो हम लेके आए थे, श्राद्ध में भी यूज होते हैं। और फिर प्रसाद स्वरूप हम भी खाएंगे। एप्पल लाई थी और ये लाई थी मैं मौसम। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको चाहे किचन आपने कितनी भी साफ सफाई करी होती है, जो श्राद्ध के दिन है ना उस दिन आपको पूरा पूरा साफ करना होता है। सुबह पहले से आप श्राद्ध के दिन साफ सफाई या सारा काम आप लोग पहले से नहीं कर, श्राद्धों के पहले पूरा घर साफ करना होता है, किचन पूरी साफ करनी होती है आपको। तो उसके पहले के समय में जो था, किचन कच्चे होते थे ना तो गोबर से लिपाई होती थी। अब गोबर से नहीं तो हम लोग कर लेते हैं सर्फ और शैम्पू से पूरा ये किचन साफ। दोस्तों ये जो स्पंज है ना, पहले मैंने इसको किया सर्फ लगा के साफ, लेकिन स्पंज से ना मैं गैस को साफ करती हूँ ज्यादातर। चमका दिया मैंने और पूरा अपना प्लेटफॉर्म भी मैंने साफ कर दिया। हेलो गाइस, तो नहा चुके हैं। नहा के पहना है कॉटन का कपड़ा, क्योंकि आपको ना जो है श्राद्ध में वैसे तो एक धोती में काम करना होता है। तो अब लगाते हैं झाड़ू के बाद मारना है मेरे को पोछा। मॉडर्न कुमारी स्टाइल में मैं कैसे श्राद्ध की तैयारी और प्रिपरेशन कर। ये देखो, साथ साथ इसको भी रख देती हूँ, अंदर रख देती हूँ। ये कद्दू जो देख रहे हो ना आप, ये मैं लाई हूँ अपने घर से, अभी घर गई थी उसके। तो ये है आज की सुबह, एकदम क्लियर है वेदर। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये कद्दू मैंने रखा है, ये मैं लाई हूँ अपने हल्द्वानी से, जो हो रहा था हमारे किचन गार्डन में। अब करती हूँ पूरी तैयारी, साथ साथ में बच्चे खुचे काम भी निपटाने होते हैं मेरे को। आजकल धूप आ रही है तो काफ़ी चीज़ें सुखानी भी पड़ती हैं। मुझे ना खुशी होती है ये सब करने में, क्यों तो सुबह सुबह जो है अपने दरवाजे के बाहर पानी भी चुआना रखा है मैंने। गमले में क्या रखा है देखो,
ये है गाय का गोबर, इसे ना वहीं वापस गमले में ही रख देती हूँ, क्योंकि जो है बाहर रखी हुई चीज़ जो है वो शुद्ध मानी जाती है। मैं इसे दूर से लाई थी जब मैं वॉक के लिए गई थी ना जंगल में, तो मतलब जंगल यानी कि यहाँ मसूरी में काफ़ी जगह आपको जंगल देखने को मिलेगा। जो चारा चरती है गाय, दूध जंगल में चरती है, उसका मेरे को लगता है कि उसका जो है गोबर शुद्ध होता है। और जो घरों के आसपास आजकल गाय सब कुछ खाने लग गई है, तो मेरे को ना उससे मतलब उसके गोबर से मुझे अजीब सी स्मेल भी आती है, तो मैं लाई थी ये गोबर। अब मैं क्या करती हूँ इस गोबर से, कईयों को ना इस गोबर की बदबू आएगी, लेकिन हमारा बचपन जो है गाय के बीच में भी बीता है, तो और हमने बचपन से ये सब चीज़ें देखी है ना, तो हमें श्रद्धा भी इसमें है और हम ये चीज़ करते भी हैं। तो श्राद्ध के दिनों में जो है 16 दिन आपको अपनी डेली लीपनी चाहिए, तो मैं भी पहले लगा लिया, मैंने पोछा ओछा कर लिया। तो कहते हैं हमारी दादी और मम्मी लोग, ये माँ भी मेरी करती थी, तो दादी हमारी बताया करती थी 16 श्राद्धों में अपने दरवाजे और डेली को गोबर से लीपना चाहिए। पहले के दरवाजे यानी कि वो लोग गोबर से लीपते थे, अब तो पेंट पुताई कर देते हैं। अलग है हमारे कुमाऊँ का ये, जो मेरे को बहुत पसंद है। तो चलो आप देख रहे हो ना, ये अल्पना है, अल्पना बनी हुई है, इसीलिए हमारे अब तो ये परमानेंट अल्पना बनती है। और हमारे कुमाऊं में जो है इस 16 श्राद्ध के बाद नवरात के दिन इस डेली को लीप के वापस से इसमें अल्पना दी जाती है। और इसमें डेली लीपने का भी एक नियम है, आप हर कोई डेली आप घर की नहीं लीप सकते, आपके घर में बहुत सारी डेलियां होंगी, तो लास्ट तक बने रहना, मैं लास्ट में बताऊंगी कि कौन सी डेली लीपनी इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, और ये क्या डाली मैंने, ये डाली है मैंने जौ। और जौ क्यों डाली जाती है, इसके लिए भी आप लास्ट तक बने रहना, अपनी श्रद्धा के साथ करती हूँ। चाय पानी हमने कुछ नहीं पिया है, क्योंकि सबसे पहले ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अब देवता को नहला लेती हूँ। श्राद्ध के लिए ना सारी चीजें मतलब आपको फ्रेश लानी चाहिए, एक्सेप्ट दाल वगैरह को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो मैंने किचन पूरा सब कुछ सब सारे घर के धो डाले, पूरा सफाई कर दिया, और घर आप देख रहे हो चकाचक मैंने कर दिया है। 19 साल में मेरी शादी हो गई, तो बच्ची ही थी मैं आज के हिसाब से, तो बच्ची थी, लेकिन मेरी ससुर जी थे नहीं, एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी सास ने बोला कि श्राद्ध जो है आप ही करोगे। तो हालांकि जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हूँ मसूरी में, तो हस्बैंड ही श्राद्ध करते थे, तो तब श्राद्ध जो करता है ना, तो उसकी वाइफ ही खाना बनाती है। खाना बनाते हैं तो हमें एक दिन पहले से भूखा रहना होता है, चाहे मेरे बच्चे छोटे थे या कैसे थे, एक दिन मैं भूखा पहले दिन भूखा रहती थी, लेकिन मैंने श्रद्धा से किया, इसीलिए पितरों के आशीर्वाद से अभी ईश्वर की कृपा से ठीक है। श्राद्ध श्रद्धा से करना चाहिए ऐसा मैं समझती हूँ। तो जो जो चीज़ें मैंने अपने मायके में देखी थी ना, मैं वो ही अप्लाई करती हूँ। मेरी सास ने भी कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि ऐसा करना है या ये चीज़ें जरूरी हैं, जो मुझे याद रहती है। और मेरी सास को ना मुझ पर पूरा विश्वास में बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े के लिए उड़द की दाल सही करूँगी करके। तो अभी मेरी सास भी नहीं है, तो 2 दिन का श्राद्ध होता है हमारे यहाँ। आप बोलोगे कितनी स्पीड में बोल रही है, तो अभी मैं बाकी के काम निपटाती हूँ, मैं बाद में बताऊँगी, बाद में मैं ब्लॉग शूट करूँगी। तो अभी मैं क्या करती हूँ को बताया, श्राद्ध का जो भी काम है उसी दिन किया जाता है, पहले दिन से कोई भी प्रिपरेशन हमारे कुमाऊं में उत्तराखंड में हमारे यहाँ नहीं की जाती है। सुबह जल्दी जल्दी रहती है, आपको मेरा ब्लॉग हॉटस्पॉट वाला दिख रहा होगा कि जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो भी बना रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, और उसके बाद मुझे जाना है ड्यूटी में। और लेकिन बहुत खुशी मिलती है सच में, आप अपने श्रद्धा से जितना आपको आता है हम उतना कर लेते हैं। आटा पॉसिबल हुआ गूंद दूंगी, कुछ कुछ चीजें हस्बैंड को करने के लिए बोलूंगी और वो कर देंगे, उसको सब्जी काट देंगे। और जो है ना खीरे का रायता हमारे यहाँ बहुत बनता है, मतलब वो बनता ही बनता है। ये वाला मौसम ना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इस साल जो है जल्दी में तो अभी भयंकर गर्मी बाद में आके, क्योंकि अभी मुझे बनाना है पूरा खाना, आगे बनाऊंगी वो सब चीज। अभी मैं जाती हूँ अपनी ड्यूटी पे, तो चलो बाय बाय, हो गया बंद कर दो। इतनी तेज धूप,
और ठीक ठाक चलते हैं, फिर मिलते हैं। और गर्मी इतनी है कि देहरादून को पीछे कर दिया है, नहीं तो मसूरी में ना सितंबर में आपको ये अम्ब्रेला नहीं मिलेंगे। मई जून में हम लोग ओढ़ते हैं अम्ब्रेला। आजकल कितने सुंदर फूल खिले हैं देखो। तो गाइस मैं लौट गई हूँ अपनी ड्यूटी से वापस। आजकल तो रास्ते भर में पूरा सामान डाल देते हो भाई, चलेंगे कैसे, पूरा रास्ता आजकल इंगेज है। तो देखो जगह जगह सामान के चक्कू। चलो चलो भैया चलो। और मैं लेके आई हूँ साथ में दूध, दही और खीरा, जिसका मैं बनाऊंगी रायता। आजकल हॉर्न भी नहीं देते हैं, जब निकल जाते हैं तब हॉर्न दे जाए। तो गाइस मौसम हो रहा है ऑसम। रात के दिनों में अच्छा होता है मौसम, लेकिन कभी कभी बारिश बरसती है। इस बार अक्टूबर तक मौसम ख़राब बताया है। देखो सुबह दिखाया था, अभी बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्लियर है एकदम, बहुत मज़े आ गए। तो गाइस मैंने चढ़ा दी है दाल और अब उबल रहा है दूध, इसमें बनाऊंगी मैं खीर। और अब बजने वाला है एक, क्योंकि कल भी एक ही टाइम खाया था मैंने, और क्योंकि खाना बनाते हैं तो एक टाइम ही खाना खाना होता है। उसके बाद अब मैं पीस रही हूँ इसमें उड़द। पहाड़ के खीरे ऐसे मिल रहे हैं। अब टाइम हो गया है, आज थोड़ा जल्दी मैं आ गई थी, 12 बजे निकली थी स्कूल से, तो घर पहुंचने तक 1 बज गया। तो साथ साथ सब काम कर रही हूँ। अब ये पूड़ी का मैं आटा भी मैंने मल लिया है, नई चीज ही निकालनी चाहिए। गाइज इतनी प्रिपरेशन हो गई है, दाल बन गई है, इसमें सब्जी चढ़ाती हूँ, इसमें पूड़ी का है, ये खीर बन रही है, बड़े के लिए पीस दिया, अभी चढ़ा देती हूँ सब्जी। तो मल्टीटास्क होना पड़ता है ना, मल्टीटास्कर। इसमें डाल दिया मैंने हल्दी, नमक, जीरा, धनिया का पाउडर और मिर्ची, बस। क्योंकि श्राद्ध में आपको कोई बाहर के मसाले आपको डालने नहीं, शुद्ध और शास्त्रीय आपको भोजन बनाना है। और ऐसा ही मैंने इसमें भी कर दिया, ये है दही के लिए दही, रायते के लिए, और हल्दी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा डालूंगी इसमें नमक। और जो नमक है वो रायते में लास्ट में पड़ता है, रायते की ट्रिक है। और इसमें डालेंगे जो एक महीन वाली राई होती है ना, एकदम महीन बारीक, जो पहाड़ के लोग हैं उनको पता होगा, एकदम महीन राई पीसी जाती है खीरे के रायते में डालने के लिए। तो हमारे पहाड़ों की स्पेशलिटी ये राई है इसमें, जो बढ़िया रायता होता है। तो अभी भी हम पाके भी निकालेंगे गाय के लिए, मतलब जो पंडित जी को देते हैं और पितरों को अर्पण करते हैं उसको गाय को हम खिलाएंगे। और फिर मैं निकालूंगी कुछ पंडित जी के दान के लिए। वाह वाह, जो पितरों के लिए प्रसाद बनता है ना, ये इतना बढ़िया बनता है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी आपके में हो जाएगा नमक ज़्यादा, कभी हो जाएगा मिर्ची ज़्यादा, कभी आपकी गल जाएगी, लेकिन आज ऐसी बनी है परफेक्ट दाल। आपने दाल ऐसे ही रख दी है, इसमें तड़का नहीं लगाया है, छौंका नहीं लगाया है, तो इसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा। जो हमारे पहाड़ी लोग और हमारे कुमाऊनी लोग देखे हैं तो उनको तो ये पता चल गया होगा कि दाल में तड़का अभी नहीं लगाया है। कमेंट तो कर दिया करो थोड़ा, जो यहाँ तक पहुँचे हो, अगर स्किप करके भी पहुँचे हो तो कमेंट जरूर करना प्लीज। यहाँ हो रहा है ये खीरे का प्रोसेस। राई है ये राई। अब क्या आ गया, अष्टमी का श्राद्ध है, इसमें मैं ये रायता बना रही हूँ। कल नवमी का श्राद्ध होगा, मैं आप भी बनाऊंगी। तो गाइस ये रायता तैयार है, रायता आपको दिख रहा होगा। श्राद्ध के खाने का तो आपको चखना ही नहीं है भाई, पहले पितरों को प्रसाद लगाएंगे, उसके बाद प्रसाद को हम खुद चखेंगे। और डेली भी
मैं डर गई, ये बड़ा ना ऊपर से फट के एकदम से नीचे आ गया। जैसा कि मैं देली का बता रही थी, देली जो है गोबर से मुख्य द्वार वाली नहीं, पहली देली नहीं लिपी जाती है, उसके बाद वाली देवली को लिपा जाता है। श्राद्धों की जो देली होती है उसको लिपा जाता है और जौ डाला जाता है। हम लगाते हैं थाली, गाइस मेरे हस्बैंड ने हमने रख दी है ये, जो हम पंडित जी को खिलाते हैं, अपने पितरों को देते हैं, और ये वो थाली मैंने तैयार कर दी है। अब हम इसको दे देंगे गाय को, और पंडित जी के लिए रख दिया है चावल, दाल, घी और मिर्च मसाला सब है इसमें, सब्जी भी है, और ये धोती है जो हम देते हैं और इसके दक्षिणा के साथ, और जो देते हैं हमारे पूजनीय जो हैं पितर उनके उनके लिए, और तो जो हमारे पितर हैं हम सब पर कृपा करें इसी कामना के साथ। और एक चीज़ और मैं दिखाना भूल गई हूँ, और इसमें इसमें ये भी चढ़ेगा, ये जो हमने बनाए हैं ना ड्राई फ्रूट, और तर्पण होता है ये सब इससे, और ये आ गई है थाली। तब तक हमने दाल बनाई ना, दाल में हमने तड़का नहीं लगाया, छौंका नहीं लगाया, तो श्राद्ध की दाल को हमारे यहाँ तड़का नहीं लगाते हैं। जब हम पितरों को वो प्रसाद अर्पण करते हैं तब तक उसमें तड़का नहीं लगाया जाता है। और ये सब चीज़ें सबको पता है सात्विक के तरीके से बनती हैं, जितनी साफ सफाई आप जितनी श्रद्धा से आप करोगे आपका उतना आप पर सबकी पितरों की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, तो बोझ समझ कर ना करें, मैं तो यही सोचती हूँ। अभी हम लोग यहाँ पंडित जी को बुला के नहीं कर पाते हैं तो वो मेरे देवर करते हैं, लेकिन हमको लड्डू से मैं करती हूँ तो मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, अपना सब बना के उसको पितरों के लिए अर्पण करके उसको फिर मैं गाय के लिए दे देती हूँ, और पंडित जी को जो यथासंभव जो हम हमें लगता है श्रद्धा से वो दान कर देते हैं। तो यही है, अभी बच गए हैं दो, ये देखो 2:10 हो गया है, और अभी थोड़ा हस्बैंड को उसमें और टाइम लगेगा, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। हाँ, एक अभी मैंने आपको नहीं दिखाया, गाय के लिए, कौवे के लिए और कुत्ते के लिए भी यही सारी चीज़ें रखी जाती हैं जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, जो मैंने थाली में रखा है वही गाय के लिए मैंने रखा, कुत्ते के लिए भी रखा और कौवे के लिए, जितनी सारी चीज़ें बनी हुई थी। तो आज का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और तो गाइज आज है मातृनवमी का श्राद्ध, यानी कि हमारी सासू जी का श्राद्ध, जो लेडीज होती हैं, जो सधवा लेडीज एक्सपायर होती हैं और जो भी हैं विधवा एक्सपायर होती हैं, जो भी लेडीज होती हैं उनका श्राद्ध हमारे, मतलब मुझे लगता है पूरे देश में ऐसा होता होगा ये पता नहीं, जैसा हमने देखा है वो मातृनवमी कहलाती है, मातृनवमी कहलाती है, तो आज मातृनवमी का श्राद्ध है जो कि हमारी सासू जी का होता है। तो बाकी सारी विधि विधान जो था कल की तरह ही मैंने करे हैं, जितना हम कर पाए जैसा कल किया था, तो वो मैंने शूट नहीं किया है, इसी के साथ इसको भी इंक्लूड कर रही हूँ, और सिर्फ मातृनवमी के श्राद्ध में जो है बाकी चीजें वही दान आप जो चाहे कर सकते हैं, जो साफ और स्वच्छ चीजें हैं, तो उसमें भी जो मैं सिर्फ ये अंतर ये है कि दान करते समय आप मर्दानी धोती नहीं जनाना धोती करते हैं। देखिए, ये देखो मैं जनाना धोती लाई हूँ, और बाकी चीज़ें पर आप ध्यान मत दीजिए, आप खाने की सारी वस्तुएं आप दान कर सकते हैं, जो जो आप दान करना चाहें वो वस्तुएं दान कर सकते हैं। तो बस अब तैयारी हो रही है, मेरे हस्बैंड करेंगे तर्पण वगैरह, और जो खाना बना है वो हम पितरों को अर्पण करेंगे, और उसके बाद पितृ प्रसाद को हम भी ग्रहण करेंगे। तो ये था आज मातृनवमी का, तो आशा है आप सबको ये पसंद आ रहा होगा, मॉडर्न कम जो है पुरानी संस्कृति का मिला जुला मिश्रण आपको देखने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बताइए क्या आपको डेली व्लॉग देखने हैं मेरे, तो मैं कोशिश करूँगी कि दिखा पाऊँ, हमारे ट्रेवल के व्लॉग होते हैं, और बाहर है अभी धूप काफ़ी। गाइस ये है गाय का, कौवे का और कुत्ते का, इसको संकल्प करके अभी जो भी है पूजा की विधि विधान उससे रखेंगे। के घर में श्राद्ध होता है तो पूरे आपके नाते रिश्तेदार आपके यहाँ पूरे खाने के लिए आते हैं, उनको निमंत्रण दिया जाता है, अगर कोई नहीं आ पाता है तो उनके घर में ये पूरी थाली इसी तरीके से सजा के
उनके घर में दे के आने का रिवाज है, जिससे कि पितरों का प्रसाद सबको मिलता रहे। और हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तो आजकल ना मेला लगा हुआ रहता है, मतलब श्राद्ध पक्ष जो है 16 श्राद्ध का जो पक्ष होता है वो मेले की तरह मनाया जाता है, मतलब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कहीं लोग बोलते हैं श्राद्ध है ये है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत इसकी रौनक होती है। जबकि अष्टमी और नवमी के दिन दो दिन इतनी भीड़ होती है ना, जो पंडित जी तो इतने बिजी रहते हैं, मतलब आपको उनके टाइम के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होती है। बहुत हमारे यहाँ बहुत ये मतलब दिवाली दशहरे से भी ज़्यादा त्यौहार की तरह ही इसको मनाया जाता है, अपने पितरों का त्यौहार। और अष्टमी नवमी के दिन घोषित अवकाश भी होता है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, स्कूल बंद होते हैं, शायद ऑफिसों की भी छुट्टी होती है, ये नहीं पता मेरे को। तो गाइस सब काम हो गया है, तो अब खाने की हो गई है तैयार। साथ खाओ, 3:20। तो हम आशा करते हैं कि हमारे वहाँ भी श्राद्ध हो चुका होगा, अभी तक तो हल्द्वानी में भी हो ही गया होगा, तो खाना खाने का टाइम हो गया है, हम भी खा लेते हैं।